Hey guys, so welcome back to another new interesting video. I know after a long time, but kya karein guys? Exams ko to taal nahi sakte na. So guys, thumbnail aapne padh hi liya hoga. To aaj hum janenge ki aap Windows 10 ki bootable pen drive kaise bana sakte hain. Bahut easy hai guys, just bachcho ka khel ekdam. कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके आराम से बन जाती है गाइस बूटेबल पेन ड्राइव यूएस विंडोज 10 की. सो अब बूटेबल पेन ड्राइव बनाने हैं तो ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी उसके लिए एक पेन ड्राइव और ये एक साथ में एक पीसी जिस पे आप अपना जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनाएंगे. सो कमिंग बैक टू द वीडियो गाइस, ऐसे तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट सिक्योर एंड बेस्ट वे है वो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा, वो मैं आज आपके सामने बताऊँगा फ्रेंड्स, जो कि आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट से माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल टूल है वो यूज़ करके बना सकते हैं. उसके लिए आप क्रोम में जाइए और आप टाइप कीजिए डाउनलोड विंडोज 10 और जो फर्स्ट लिंक है microsoft.com ऑफिशियल का उसको क्लिक कर दीजिए. उसको जब ओपन करेंगे आप तो आपके सामने वो डायरेक्टली वो टूल को डाउनलोड करने का एक बटन आएगा, उस बटन पे क्लिक कीजिए और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो बूटेबल पेन ड्राइव या फिर आपको बूटेबल फाइल बनाने का वो डाउनलोड हो जाएगा. ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी पेन ड्राइव हो उसका साइज़ 8GB मिनिमम हो, 8GB या उससे अबव, बिलो 8GB ना हो. 4GB की पेन ड्राइव में नहीं बन पाएगी क्योंकि जो बूटेबल फाइल्स होती हैं जो विंडोज़ की उनका साइज़ ही कुल अप्रॉक्स 4 point something कुछ GB होता है. सो जस्ट ये एक रिमाइंडर था कि जो आप पेन ड्राइव लें उसको मिनिमम 8GB का लें. अब जब आपका टूल डाउनलोड हो गया है तो उस टूल को आप डायरेक्टली ओपन करिए और फिर ओपन करने के बाद वो आपका नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मांगेगा, उसको ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए और फिर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है वो खुल जाएगा दोस्तों. उसको ओपन करने के बाद हमें क्या करना है मैं आपको अब बताता हूँ. सो ये कर लिया हमने इसको ओपन और गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी. ये टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर प्रोसेसर, तो आप इसको कर लीजिएगा. इतने में आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने ये पेन ड्राइव ले रखा है और ध्यान रखिए जो आपका पेन ड्राइव हो उसमें जो फाइल्स हो उसका आपका बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा या फिर खाली कर लीजिएगा पहले से ही अगर, क्योंकि ये फॉर्मेटेड पेन ड्राइव होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप फॉर्मेट कर देगा, इसलिए बोल रहा हूँ बैकअप एक बार ले लीजिएगा. मेक श्योर यू टेक अ बैकअप फॉर दैट. अब इसमें जो नेक्स्ट विंडो आती है उसमें आपका जो लाइसेंस टर्म्स है वो होता है, जो उसको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई भी नहीं पढ़ता है वैसे तो, नेक्स्ट ही कर दिया मैंने. उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा और टाइम लेगा और फिर जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक होगा अपग्रेड दिस पीसी नाउ और एक होगा क्रिएट ए बूटेबल डिवाइस और ISO. सो हम यहाँ पे एक बूटेबल डिवाइस बना रहे हैं तो हमें जो है जो सेकंड ऑप्शन को चेक करना है और फर्स्ट ऑप्शन को नहीं करना है. अगर आप अभी अपने कंप्यूटर पे डालना चाहते हैं विंडोज 10 तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप बूटेबल ड्राइव वाला मेथड ही फॉलो करें. अब जो आपके सामने ऑप्शन आते हैं उसमें आपको सबसे पहले तो एक डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन अनचेक करना है और इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से चेक कर लेना है. लैंग्वेज में हम नॉर्मली कोई भी आदमी वही अपना इंग्लिश US चूज़ करेगा और फिर विंडोज 10 इंस्टॉल कर दो विंडोज 10 ही आएगा. और इसमें आर्किटेक्चर जो होगा वो आपके सिस्टम के बेस्ड पे आप इसको चूज़ कीजिए. आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं जितने भी सिस्टम्स हैं वो 64-bit आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं. इफ़ इन केस आपको डाउट है तो आप अपना एक बार PC चेक कर लीजिए और अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट है तो आप आँख बंद करके बोथ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए. हालांकि थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा डाउनलोड के लिए, लेकिन फिर भी आप एक तरीके से डाउट से बच जाएंगे. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको ISO फाइल बनानी है या एक USB फाइल बनानी है. हम यहाँ पे जैसे USB फाइल बना रहे हैं तो हम USB वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, ISO सेलेक्ट नहीं करेंगे. ISO सेलेक्ट तब करते हैं जब हम बूटेबल CD या DVD ड्राइव बनाते हैं या फिर पेन ड्राइव भी बना सकते हैं ISO फाइल से, लेकिन वो एक अलग मेथड हो जाता है. हम यहाँ पे जो अभी बेसिक सिंपल वाला मेथड है, सबसे ईजी सबसे बेस्ट जो मेथड है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ. अब यहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट कीजिए जो ड्राइव है आपकी और फिर नेक्स्ट कर दीजिए और फिर ये आराम से अपना होता रहेगा. इसमें आपका डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड ये टाइम ले सकता है, मेरी थी 10 MBPS तो उसके हिसाब से इसने अकॉर्डिंगली आधा घंटा 30 मिनट्स ले ली थी.
अब मैंने वो कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने पहले ही एक बूटेबल ड्राइव बना रखी है दोस्तों, बूटेबल पेन ड्राइव बना रखा है और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए आपकी जो बूट फाइल्स है वो यहाँ पे होंगी, जो सेटअप है वो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट जो बूटेबल जो बायोस के बाद जो मेथड होता है वो ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। तो बस इसके बाद अपने पेन ड्राइव को सिस्टम में लगा लेना, विंडोज 10 इंस्टॉल करा लेना और अगर थोड़ी सी आपकी कृपा रही तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करा देना गाइस, इस वीडियो को लाइक करा देना, शेयर करा देना। सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।